डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास सिक्स का हिंदी बुक है, चैप्टर 20, और इस चैप्टर का नाम है दुख का अधिकार। सभी के जीवन में सुख और दुख जरूर आता है। सुख दुख का संगम ही हमारा जीवन है। जीवन में सुख का पल तुरंत बीत जाता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, परंतु दुख बीतने का नाम नहीं लेता और लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार दुख को प्रकट कर पाते हैं। इस चैप्टर में इसी को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है, तो चलिए मैं आप लोगों को चैप्टर को पढ़कर सुनाता हूँ। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री के, ये स्त्री है जो खरबूजे बेच रही है और फफक फफक कर रो रही है घुटनों में मुंह छिपाकर, ये लेखक है। और यहाँ पर कई आदमी हैं जो इस स्त्री के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है और वह वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुँचा कर कभी लड़का स्वयं सौधे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गिली मेढ़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। भगवाना उसके बेटे का नाम है। सर्प के विष से उसका सब बदन नीला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को 52 चौवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए
खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिराहने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शौक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस चैप्टर को लिखा है यशपाल ने और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है जिसे पढ़कर आप लोगों को याद कर लेना है कम से कम एक बार। और इसके बाद यह है चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस और यहाँ पे आशा स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, मतलब मिला जुला के क्वेश्चन काफ़ी दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अध्ययन से दिया गया है जहाँ पे सर्वनाम स्वाइक से निकालना है और इन प्रयोगों को समझो। यहाँ पे जो मुहावरे दिए हुए हैं ये मुहावरों की तरह ही है, मुहावरे जो दिए हुए हैं इससे वाक्य बनाना है, इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। यह चैप्टर 20 का क्वेश्चन आंसर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक कब बंधन बन जाती है? जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं उस समय यह पोशाक ही बंधन बन जाती है। खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया फपक फपक कर क्यों रो रही थी? खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया का बेटा सांप काटने से मर गया था, इसलिए वह फपक फपक कर रो रही थी। बाजार के लोग उस स्त्री के बारे में कैसी बातें कर रहे थे? बाजार के लोग बुढ़िया की गरीबी से अनभिज्ञ उसे कोस रहे थे कि सूतक काल में भी यह खरबूजा बेच रही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने उस स्त्री के बारे में क्या कहा? परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा कि अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। बेटे की मृत्यु ने घर को किस प्रकार आर्थिक संकट में डाल दिया? बेटे की मृत्यु के बाद घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। अब दुवन्नी चवन्नी आने का भी आस नहीं रहा। लेखक ने उस अधेड़ स्त्री के दुख का अंदाज़ा पिछली किस घटना से किया? लेखक ने उस स्त्री के दुख का अंदाज़ा पिछले साल पड़ोस में घटी इसी तरह की एक घटना से लगाया। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास पलंग से उठ न सकी थी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शोक करने या दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। समाज में पोशाक से ही व्यक्ति की पहचान होती है, पोशाक ही व्यक्ति को उच्च या निम्न श्रेणी में बांटती है। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उस व्यक्ति के अनुसार सभी रिश्ते नातों से बढ़कर उस स्त्री के लिए धन था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। किसी समस्या का समाधान जब हमें नहीं मिलता तो समय की धारा में हम बहते जाते हैं। शोक और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। जो इंसान गरीबी से पीड़ित हो वह अधिक समय तक शोक भी नहीं मना सकता। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ भाषा अध्ययन दिया हुआ है, नीचे लिखे वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बाँट देती है, तो यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा उन्हें। उसके बाद ख नंबर में, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आए? तो यहाँ पे उन्हें कोई कैसे, ये 3 वर्ड जो है यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। और ग नंबर में, मैं उसके समीप बैठ नहीं पाया, तो यहाँ पे मैं उसके, ये 2 वर्ड जो है यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। और घ नंबर में, कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा?
तो यहाँ पे हो जाएगा कोई उसके उसका कैसा। यहाँ पे चार वर्ड जो है सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे जो वाइक दिया हुआ है इसे वाइक में कंप्लीट वाइक में बनाना है, तो चलिए मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू का वाइक बना हुआ है फफक फफक कर रोना। बूढ़ी स्त्री फफक फफक कर रो रही थी। कटी हुई पतंग। अनहोनी खबर सुनकर अनीता कटी हुई पतंग की तरह गिर पड़ी। अल्लाह की बरकत। अच्छे नीयत वाले को ही अल्लाह की बरकत मिलती है। और चारा ना होना। समस्याओं से लड़ने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। द्रवित हो उठना। भक्तों की कठिन तपस्या को देखकर भगवान द्रवित हो उठते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।